हाय गाइस, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। यहाँ मैं समर ड्रेस डिज़ाइन की एक और वीडियो के साथ आई हूँ। यहाँ मैंने जे डॉट का जो ड्रेस है लिया था, उसको मैंने स्टिच करवाया है। ये अनस्टिच कलेक्शन का था, अभी न्यू का आर्टिकल है। और ये लाइट लेमन सा कलर है, उसके ऊपर बड़े ही प्यारे पीछे से फ्लावर्स हैं, साथ में वाइट कलर है। इसके साथ ये मैंने ऑफ वाइट एम्ब्रॉयडरी है वाइट कलर का, और लेमन ही इसकी बेस थी जिसको मैंने अपनी शर्ट पे अप्लाई किया है। इसके स्लीव्स मैंने कुछ इस तरह से रेडी करवाए हैं और ट्राउज़र का डिज़ाइन कुछ इस तरह से है। प्लीट्स के साथ साथ मैंने ये लेमन लेस थोड़ी डार्क कलर में ली है ताकि लाइट एंड डार्क शेड का कॉन्ट्रास्ट अच्छा लगे। इसको मैंने इस तरह से रेडी किया है और ये इसकी ओवरऑल लुक है। इसी तरह इसके जो फेसिंग में भी लेस दी है और ये पूरी शर्ट राउंड इसका नेक मैंने रखा है। सेम ट्राउज़र और सेम उसी शर्ट मैंने दो शर्ट्स लेके एक का ट्राउज़र स्टिच किया है और एक का मैंने शर्ट स्टिच किया है। और इसी के साथ मैंने जो मेरा दुपट्टा है वो मैंने गोल्ड लाइट स्किन सा पीछी सा कलर है वो लिया है। उसके अंदर गोल्डन कलर की जरी इसकी लाइंस हैं जो कि बॉक्स बना रही हैं। ये आजकल रेडीमेड दुपट्टों के साथ ड्रेसेस के साथ भी और ब्रांड के ड्रेसेस के साथ भी ये दुपट्टे आ रहे हैं। तो मेरा ये दुपट्टा इस शर्ट की बेस के साथ काफ़ी अच्छा कॉम्बो जा रहा था और थोड़ा डिफरेंट लग रहा था, मतलब कम्प्लीट प्लेन भी नहीं था और उसके साथ लुक अच्छी लग रही थी। तो मैंने इस दुपट्टे को इसके साथ कर लिया है। चाहें तो आप इस दुपट्टे को लेमन में डाई भी करवा लें, लेकिन मैंने डाई नहीं करवाया। और ये मेरा एक और ड्रेस था, ये थ्री पीस था। इस शर्ट इसके ऊपर मैंने इस तरह से सिल्वर और गोल्ड में जो शीशे बने हुए तिल्ले के बने हुए मिलते हैं वो लगवाए हैं, एक बड़ा और साइडों पर छोटे। और इसी तरह इसको मैंने लेस लगवाई है नीचे भी और ऊपर भी, डबल बॉर्डर इसको क्रॉस किया है। इसी को डबल करके नीचे लगाया ताकि इसका बॉर्डर थोड़ा चौड़ा हो जाए। ये इसके स्लीव्स हैं। इसी के साथ ब्रीक समोसा लेस लगाई है इसकी तमाम फेसिंग में और स्लीव्स में। ये इसका ओवरऑल लुक है। प्लेन बैक जो है वो प्लेन है, लेकिन जो समोसा ब्रीक थोड़ी लेस है वो चारों तरफ ही आगे पीछे से। और ये इसका प्लेन ट्राउज़र है क्योंकि शर्ट ऑलरेडी काफ़ी हैवी हो गई थी, तो ट्राउज़र प्लेन है। ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टे के अंदर भी लाइट सी लाइंस है। इतना सॉफ्ट दुपट्टा है, लेके फील ही नहीं होता आपने दुपट्टा लिया। जो ये सिल्वर सी लाइंस है ये तिल्ला नहीं है, बल्कि ये बहुत ही सॉफ्ट सिल्क का थ्रेड है गोल्ड में और सिल्वर में। तो ये तेहामी का ड्रेस था वाइट कलर का, ये इसका सिलकर आया है ड्रेस। ये इसके स्कूल में ईद मिलादुन्नबी की पार्टी मतलब प्रोग्राम था, मिलाद था, तो ये उसने उस पर पहन के जाना है। मैंने जस्ट प्लेन स्टिच करवाया, ये इसने वेयर कर लिया है। ये इसकी ओवरऑल लुक है। और स्कूल में पहले थोड़ा सा इसका प्रोग्राम होगा, ईद मिलादुन्नबी मिलाद होगा, दुरूद पाक की महफिल होगी, उसके बाद बाकी हाफ टाइम इनके टेस्ट चल रहे हैं तो ये टेस्ट लेगा। और ये नीचे कारपेट पे ही लंच कर रहा था, तो इसका लंच पड़ा है, वाटर बॉटल पड़ी है। ट्वाइस हमारे सारा दिन नहीं इकट्ठे हो सकते, हम जितनी बार मर्जी ने इकट्ठा कर लें उसके बाद भी ऐसे ही रहते हैं। खैर थे, हमी ने जल्दी जल्दी से अपनी वाटर बॉटल उठाई और स्कूल के लिए रेडी हो गया। यहाँ पे फिर वाटर बॉटल भूल गया, तो मैंने कहा कि पहले वाटर बॉटल उठा लो उसके बाद स्कूल जाना। अब यहाँ पे थे हमी अपने ट्वाइस इकट्ठे कर रहा है। मैं ना वन बाई वन में फर्स्ट में ट्वाइस डाल रहा हूँ मैं, और मैं कापिट की जल्दी 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 ट्वाइस डाल रहा। और अब मैं डाल के अब मैं रेस्ट करने लगा। शाम को उठ के फिर हम साइकिल साइकिल को साइकिल मैं पूछा हुआ ठीक